जबलपुर के ग्रीन सिटी में रहने वाले संजय नामदेव ने 2 महीने पहले टाटा कमर्शियल शोरूम से अपनी पत्नी के नाम पर एक टाटा टियागो कार खरीदी थी। वहीं पिछले 10 दिन से वह कंपनी के चक्कर लगाकर परेशान है। संजय नामदेव ने कंपनी के खिलाफ थाने में भी शिकायत दर्ज कराई। संजय नामदेव का कहना है कि जब से उन्होंने कार ली है तब से उसमें कोई ना कोई परेशानी आ रही है। जब कंपनी में वह अपनी कार लेकर आया तो कंपनी वालों से यहाँ वहाँ भटका रहे हैं। संजय नामदेव ने आशंका व्यक्त की है कि उन्हें पुरानी कार दे दी गई है। वहीं मामले में एजेंसी के कर्मचारियों का कहना है कि गाड़ी में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गए हैं, जिसके कारण वारंटी के साथ कार को रिपेयर किया जा रहा है। वायरिंग आदि की समस्या कार में आ रही है, जिसके पार्ट्स कंपनी से मंगाए गए हैं। सोमवार तक गाड़ी के पार्ट्स आने पर रिपेयरिंग कर उपभोक्ता को कार वापस सौंप दी जाएगी। वहीं संजय नामदेव पिछले कई दिनों से एजेंसी के चक्कर लगा लगा कर परेशान है। संजय नामदेव का कहना है कि उन्हें कंपनी की तरफ से दूसरी कार देनी चाहिए, क्योंकि उनकी कार 2 महीने में ही खराब हो गई है। मैंने अभी 26/6 को 26/6/2023 को टाटा मोटर्स की नई टाटा की टियागो उठाई, जिससे कि मुझे प्रॉब्लम हर महीने में, मुश्किल से हर महीने में 6 बार प्रॉब्लम आ चुकी गाड़ी में। और अभी 10 दिन से वो गाड़ी रखे हुए हैं, 4 दिन से टाल रहे हुए हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। गाड़ी के पूरी पार्ट्स खोल दिए गए हैं, गाड़ी आपके सामने है, आप देख सकते हैं गाड़ी को। जबकि मैंने कंपनी के जो ऑनर हैं कैलाश गुप्ता जी, उनसे ही बात की, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ उचित जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भैया वो तो टेक्निकल फॉल्ट है, आ सकता है उसमें। मैंने कहा सर, गाड़ी को लिए 1 महीना नहीं हुआ और सारी चीज़ें टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है, ये गलत है आपका। बोले सर ऐसा कुछ लगता है तो आपको जो दिखाया आप कर सकते हैं। क्या